स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इटीमन। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बात जो है वो बताना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोग जो भी इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नेगेटिविटी जो है वो आसपास इतनी ज़्यादा है कि आप लोग अच्छा जो है वो नहीं सोच पा रहे हैं। ये सभी के साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही इन चीज़ों से जूझ रहे हों। तो सबसे पहले आप लोग इन चीज़ों के बारे में कैसे सोच पाएँ, कैसे अपनी थॉट जो है उसे पॉजिटिव बना पाएँ, तो इसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप हमेशा अपनी सोच जो है, थिंकिंग जो है, उसे पॉजिटिव कैसे रखेंगे, कैसे आप रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के माहौल में हम जब देखते हैं कि 99% लोग जो है वो नेगेटिव बातें करते हैं, और फिर भी वही यही कहते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव फील करें और पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहें, कैसे नेगेटिविटी से बचे। ज़्यादातर लोग हमें यही राय देते हैं, नेगेटिव बात मत करो, नेगेटिव मत सोचो, फिर भी किसी न किसी बात पर किसी न किसी की बुराई वो कर ही देते हैं, जिसका पता खुद उनको भी नहीं लगता है कि वो किसी की बुराई कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सभी लोग, उसमें आपको क्या मिलता है? अगर आप गौर करें तो बहुत ही कम ऐसी न्यूज़ होती हैं जिनको पढ़कर आपको अच्छा लगे। बाकी ज़्यादातर न्यूज़ में आपको क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा कि कहीं भाई कुछ कोई मर गया, किसी ने किसी को मार डाला, किसी नेता ने किसी को बुरा कहा, ठीक है। तो जो भ्रष्टाचार की न्यूज़ तो है आपको किसी न किसी कोने में मिल जाएगी। तो ये क्या कोई पॉजिटिव एनर्जी देने वाली, आप कोई मैसेज ले रहे हो सुबह सुबह इन न्यूज़पेपर से? तो कुछ ऐसे काम हम कर सकते हैं जिससे हमको पॉजिटिव एनर्जी मिले। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सुबह सुबह कुछ मोटिवेशनल इंस्पायरेशन देने वाली बात को पढ़ें, फिर जब आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएं तब आप अपने दिन की शुरुआत करें, ठीक है। तो इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और ओवरऑल थिंकिंग आउटलुक को चेंज करने में आपको हेल्प मिलेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को खुश रखना। अपने मन को बार बार खुश करके आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रह सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप वो काम करें जो आपके मन को खुश करे। देखिए, एक जो होती है हंसी, स्माइल जो होती है वो खुद में एक पॉजिटिव इमोशन है। आपको पता है, आप लोग CDP पढ़ते हैं, आप लोग बाल विकास पढ़ते हैं, जिसमें पता है कि जो हंसी है वो एक पॉजिटिव इमोशन होती है। जितना आप नेचुरली स्माइल करेंगे उतना ही पॉजिटिव एनर्जी आपको अंदर से मिलती जाएगी। इस चीज़ को क्या करना है, फील करना है। हर सिचुएशन में पॉजिटिव आउटलुक कैसे रखें, खुद से सवाल पूछें कि इस कंडीशन में और क्या अच्छा हो सकता है मेरे लिए, और इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है। जब आप अपने से ऐसे पॉजिटिव क्वेश्चन करते हैं तो आपका माइंड खुद ही पॉजिटिव एनर्जी आपको देने लगेगा। दूसरों के बारे में अच्छा सोचकर और उनकी हेल्प करके, इससे भी आप पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। जब हम किसी भी की भी हेल्प करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा करने की सोचते हैं, तो हमें अंदर से एक एनर्जी मिलती है। तो इस चीज़ को फील आप लोग कैसे करोगे जब आप किसी की हेल्प करोगे? इसके लिए ऐसा नहीं कि आज मुझे हेल्प करनी है, नहीं, ये भी अंदर से आएगी, अंदर से आप महसूस करोगे। और यह फीलिंग जो होती है ये हमको पॉजिटिव एनर्जी देती है, और हम और भी अच्छा करते जाते हैं। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें ऐसी चीज़ें जो हैं वो करनी होंगी जिससे हमें अंदर से खुशी मिल सके। तो आप लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में आप लोग ये सोचते हो कि हमारा तो टाइम वेस्ट होगा अगर हमने किसी से बात भी कर ली। लेकिन देखिए, अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव आप थिंकिंग रखते हैं और उससे आप इसी तरीके की बात करते हैं, तो आप 5 घंटे पढ़ने की बजाय यदि आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं उसी माइंड के साथ, तो वो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो पॉजिटिव विचार वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव विचार वाले होते हैं। हमें हमेशा क्या करना है, जो पॉजिटिव विचारधारा वाले व्यक्ति हैं उनसे ही मिलना चाहिए, जिससे हमारी सोच और हमारा जो मोटिव है, हमारे जो गोल है, उद्देश्य है, वो पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाने में हमें सहायता दें, ठीक है। नेगेटिव सोच रखने वाले लोग अपनी ज़िंदगी से जो पॉजिटिविटी होती है उसको भी निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सकारात्मक सुझाव दें। और देखिए, सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी, अपने लक्ष्य पर
बिल्कुल डटे रहें, स्थिर रहें। अपना लक्ष्य का चयन अपनी इंटरेस्ट के अनुसार वैसे व्यक्ति करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर अपनी रुचि के अनुसार नहीं करता है तो वह उस काम को बखूबी नहीं कर पाता है। तो जरूरी क्या है, अपनी मानसिक रचना में परिवर्तन करना। किसी भी परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया कैसी भी हो, यह आपकी सोचने की शक्ति पर निर्भर करता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में पॉजिटिव सोच देना उस परिस्थिति को आसान बना देता है। ठीक है, जो भी एक्टिविटी आप पॉजिटिव करते हैं तो आपकी कैसी भी कंडीशन हो वो इजी हो जाती है, जिससे आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हो। जबकि नेगेटिव विचारधारा से क्या होता है, ये जो होती है, जो हमारे सामने प्रॉब्लम होती है उससे भी बड़ी विचारधारा होती है नकारात्मक विचारधारा। तो हमारे जो आसपास के वातावरण है उसके अनुसार हमारी सोच जो है वो विकसित होती है, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट पढ़ना चाहिए जिससे हमें उन विचारों से प्रेरणा मिले। पॉजिटिव लोगों के साथ बात करना चाहिए जिससे हमारी सोच पॉजिटिव बनी रहे। यदि हम किसी कार्य को करने से पहले पॉजिटिव थॉट पढ़ते हैं तो हमें उस कार्य के लिए क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारा वो कार्य जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव थॉट का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बस यही बोलना है आप लोगों से कि मैं ही नहीं बोल रही हूँ, आप ही नहीं बोल रहे हो कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, थिंकिंग रखो। बोलना ही नहीं है काफ़ी, रखनी भी है। ठीक है, तो आज से ही ये चीज़ जो है वो आप माइंड में बैठा लें, इस चीज़ का आप दृढ़ संकल्प लें कि हमें पॉजिटिविटी जो है वो फैलानी है, नेगेटिविटी को हटाना है। और ये कैसे कर सकते हो, ये आप खुद कर सकते हो। आप खुद अपने आप को पहले पॉजिटिव बनाओ, उसके बाद आप जब भी बात करते हो तो हेल्पफुल होकर और फिर आप बात करो किसी से भी। कोई काम भी करते हो तो उसमें भी अगर किसी की जितनी हेल्प हो सकती है हेल्प करो, आपका खुद का काम जो है वो बनता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फुल मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।